अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। अब्बू जी जी पौधों को दे रहे हैं पानी, ये लो पानी पी लो। ये देखिए नियाज भोका, जंग के लोग इसके पत्तों की बनाते हैं चटनी, वो जिनके घर का नहीं किया उनके घर इससे भी बड़ा लगा हुआ है नियाज भोग। तो मैंने उनको पूछा आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी हम इसकी चटनी बना के खाते हैं। चटनी असी तो पुदीने की बनाते हैं ना, वो यदि बनाते नियाज भोग। और आज जी देनी है रियाज को तनख्वाह, तो रियाज आ चुकी है, आसिया भी आ चुकी है, दोनों कर रही हैं सफाइयाँ शफाइयाँ, सहन में लग रही है तपड़ी। तो चलो देखती हूँ ज़रा, यहाँ से अभी बाहर गीला है तो उठाती हूँ पैसे और जाके रियाज को देते हैं तनख्वाह उसके हाथ में। तो ये देखें जी, बस इन्हों भी इंतज़ार होंगे कि कदों महीना पूरा होएगा तो तनख्वाह मिलेगी। और आज जैसे कि जा रहे हैं सना की तरफ, तो सना की तरफ मैं पहन के जाऊँगी ये वाले कपड़े जो कि मैंने इस्त्री करके रखे हुए हैं। नहीं आप होंगे ऐसे नहीं कहते, कोई नहीं मैं फिर आ जाऊँगी ना अबू जी, मैं फिर आ जाऊंगी इंशाल्लाह। नहीं मुश्किल नहीं, मैं हूं भी तो आई हूँ, मुश्किल कर दी है, टिकट लेनी है तो आ जाना, हूं जावांगी तो आवांगी, जावांगी तो फिर आवांगी ना इंशाल्लाह। मैं आ जाऊंगी भाई, ना दी तो होंदे ही आ जाऊंगी, आहो भाई ना दी आएंगे ना जो फिर ना दे होंदे ही आवांगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब आप मुझे इजाज़त दें, मेरा टाइम पूरा हुआ चाहता है और मैं फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अभी टाइम नहीं पूरा हुआ, हो गया है। थोड़ा पीछे है। नहीं कोई पीछे नहीं, हो गया है पूरा, हाँ रेडी हो गया है पूरा टाइम है, फिर आऊँगी इंशाल्लाह फिर। और ये सना का सूट है जो कि आसिफा सिस्टर ने कहा था सना को देने के लिए, और ये साइमा के गिफ्ट्स हैं। बस आइए, तो हम जी हो गए धुप पड़ी जे, मैं हो गई हूँ रेडी, अबू जी बस रेडी होने गए हैं, गाड़ी वाला आ गया। तो लंच जो है वो है हमारा सना की तरफ, और जो चाय है वो है साइमा की तरफ। तो आज आपको मिलवाएंगे सना से और साइमा से, पहला तो जन तुम कभी मिले नहीं ना, जाना बहुत जरूरी है क्योंकि लॉन्ग डे है, लॉन्ग डे, वापस चलो सुक गई जुत्ती। परफ्यूम लाया तो परफ्यूम खैर
तो बस जी यहाँ पे फिर हमारा सफ़र जो था वो शुरू हो चुका था, और मैंने रास्ते में से देखना है कहीं से मुझे अच्छा सा कोई फ्रूट मिल जाए, बस ऐसे जल्दी जल्दी निकले। आपको पता है अबू जी जब साथ होते हैं ना, अबू जी बड़ी जल्दी डालते हैं, कहने ना किधरे नहीं रुकना। तो मैंने सोचा कि चले हम ना जंग पहुँच के तो फिर हम वहाँ से लेंगे फ्रूट। तो ये शुक्र है जी सड़क माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बन गई हुई है, पर किधरे किधरे फेयर भी रहना खड्डे शड्डे हैं, और मैं कहती हूँ कि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों वाले कोई खड्डों का ख्याल नहीं करते, अन्ने वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं कहाँ पे, जंग। तो यहाँ पे मैंने ड्राइवर से कहा कि जो है ना फ्रूट वाली रेडी के पास कहीं रोके, तो गाड़ी जो है वो सना ने भेजी थी, तो उसने कहा था कि बस थोड़ा सा भी बेशक टाइम निकालो आओ ज़रूर, क्योंकि मैंने कल लाहौर भी जाना है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, पर बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के गए थे। तो यहाँ पे देखे फ्रूट कितना ताज़ा है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। और यहाँ से जी हमने लिया फ्रूट, देखो चकोदरे ले और सेब, तो मैंने पसंद ही नहीं सना आ रहे, पता नहीं इंजला से जो मीठे नहीं होने, और यहाँ से मैंने मीठे लिए मीठे जो कि सना को बड़े पसंद है। और यहाँ पे देखें जी फ्रूट हमने रखवाया गाड़ी में, तो बस हूँ गड्डी सीधी जाएगी वो घर, और किधरे भी रुकने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि जितनी गाड़ी रोकेंगे ना रास्ते में उतना अबू जी को जो है ना वो कुछ उनकी तबीयत में घबराहट सी आती है, वो कहते हैं कि बस घरों निकले हो ना जितने जाना है सीधा उत्थे जाके गड्डी रोको, राह में ना इधर उधर ना किधर रुकने की जरूरत नहीं। और यहाँ जी हम पहुँच चुके हैं सना की गली में, तो बस अब गाड़ी रोकेंगे और लेके चलते हैं आपको उनके घर के अंदर। बैल दें अस्सलामुअलैकुम साबा। अबू जी बैठे हुए हैं, सना बना रही है आड़ू का जूस, और साबा कर रही है यहाँ पे सफाइयाँ, तपड़ियाँ छपड़ियाँ लगा रही है। अबू जी के जूते देखे, अज अबू जी ने खुसा पवाने, मेरा अंगूठा अबू की जुती दे विच फस गया। मैं क्या ओए होए होए होए, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। कितने जाना जे, जाने हैं जी, सना ने बुलाया है माशाल्लाह से, आज दावत है मेरी, घर ही सुकून है। ये देख लो अबू इतने भी नहीं रहते, तुम कहते हो अबू जी सना के पास क्यों नहीं जाके रहते, या सना क्यों नहीं रखते, अबू जी आप ही नहीं रहते, देख लो घबरा पैदा पे जो उन्होंने। हाँ एवं ना तुम मेरी भैन की जान खाया करो, अबू जी रहते ही नहीं है, क्या करें, जबरदस्ती थोड़ा उन्होंने रखना कि तुम रवो इतने। ये देखो जूस आया आड़ू का, साबा किचन दे बाहर ना जी, लाओ ए बेटे तो घड़ी करो ऐसी घड़ी ढूंढी है इथे मार दिया कोला। हां मैं भी देखे है, ये देखो यहां पे आसपास सिस्टर ने सूट भेजा, मैं कह लगी सर जूस भेजा, जूस पी तो बाहर चढ़ गया। ये देखे आज आपका सूट मेरे तक आ गया है, और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का और इस इतने प्यारे गिफ्ट का, अबू जी कह रहे हैं कि चलो मुझे लेके घर, घबरा पड़ रहा है उनको, सना के घर भी अपने घर में ही ठीक रहते हैं, बंदा सो उनकी करिए, अब बंदा क्या करे। तो सना ने मैं क्या भी सी के रहन दे, जरा ना अबू जी ने घबराना में उन्होंने नहीं आना, इन मैं सुबह क्या सी के रहन दे कुड़ी ताड़ी। मैंने कहा था सना को कि खुद आ जाए, खुद ਉੱਥੇ ਬੁਨ ਘਬਰਾਟ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਸਾ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਚਾਹ ਤੱਕ ਵੇਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
मैं सिर्फ ता लै के आई अब तू वेख लवे के ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ ਖਾਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੂਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਆਇਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਈਓ ਤੇ ਵੇਖੀਓ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਏ ਪਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪਾਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਆ ਪਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਐ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਸੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ये हालत है जी तुसी कहंदे हो इत्थे रहन इत्थे किंज रहन सना के लिए फिर हो जाती है ना टेंशन जब बाबू जी को इस तरह घबरा पड़ता बेचारी की करे फिर कहेंगे इन्हों फटाफट लैके जाएगी घर तो इसलिए ना बाबू जी अपने घर में ही ठीक है खैर से देखें जी सना का ड्राइंग रूम बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा है देखो ये देखे माशाल्लाह से बैग बड़े हुए बच्चों के स्कूल के और यहाँ हैं हम नली वाली जानी कहते पैसा इटा मंगाइया उधर गई थोड़ी आ रही नहीं तो इतो नहीं इतो नहीं जा सकती इतो ही जा रही ने इटा जी घर से निकले हैं जा रहे हैं लंच के लिए तो देखते हैं सना ने कहाँ पे लंच करवाना है उसके बाद जाना है हमने साइमा की तरफ फिर वहाँ से निकलेंगे तो भाईजान को मिलके तो फिर हम जाएंगे अबू जी के घर ठीक है हाँ जो चले जी यहाँ पे आज हमारा लंच ये देखें भाईजान बिजी थे और उनका खाना लेके जाना है क्योंकि वो उनके किचन का काम करवा रहे हैं नलके लगवा रहे हैं तो वो फिर हमारे साथ नहीं आए इधर से वालेकुम अस्सलाम हैं भाई इत्थे खाना खाना है अच्छा ऊपर जाना है अच्छा जा रही है ऊपर मुझे लगा नीचे जा रही है तो अखाचे पकड़ेगा सब लिफ्ट पे बंद हो जाने ये देखे जी हमारा मुर्शिद कहाँ कहाँ पे मशहूर है ये देखे कितनी अच्छी तस्वीरें यहाँ से दो तीन मैंने ले जानी है अपने अपने कॉरिडोर में जाके लगाऊंगी कॉरिडोर ये देखे ये भी हमारी स्पेशल गेस्ट हैं तो जी इधर हम हैं और इधर हम ही हैं अब वो कह रहे लगभग और मुझे बैठे हुए इधर ये तो मैं कहती हूँ कमाल हो गया देख लें जहाँ पे ये नहीं भी होते पर इनका नाम होता है निजा बारा तो ये है जी झंग में बारा के नाम से ये वाला रेस्टोरेंट तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर लंच करने के लिए आए हैं पर मैंने सुना है रात के टाइम बड़ा ही खूबसूरत लगता है और रात के टाइम आप आएँ इंजॉय करें तो ये देखें ये है जी बारा ये देखो अजाने हो रही हैं आवाज़ आ रही है तो हम रात को नहीं थे आ सकते इसलिए हम लंच टाइम पे आए हैं और यहाँ पे देखें जी ये लग रहे हैं टिक्के शिक्के ये कौन सा मलाई बोटी है अच्छा
ये मलाई बोटी है और ये है जी तिक्का बोटी है। देखो ये देखें यहाँ पे नान लगने लगे हैं स्पेशल कलवंजी और तिल के। ये देखें जी तंदूर ऑन है, बड़ा साफ सुथरा देखें नीट एंड क्लीन। ये देखें ये पेड़े करके रखे हुए हैं, ये नान के हैं और ये रोटियों के, साफ सुथरा माहौल सारा। और यहाँ पे कबाब देखें चिकन के ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और यहाँ पे जी ये हमारा ही जो था ना खाना वो लग रहा था जैसा कि मैंने बताया था, मलाई बोटी थी, टिक्का मसाला सिक्की सी और वो था चिकन के इनके चीज़ वाले कबाब थे। और ये देखें ये इन्होंने गोल गप्पे और साथ में चाट थी और गोल गप्पों के ऊपर डाली जा रही है दही वाले जो अंदर ऑर्डर देगा और इसके बाद डालेंगे जी इमली वाली। ये बड़े ही मज़े के थे तो वैसे खट्टा तो मैं कहनी है कि बस एक गोल गप्पे डाल तो समझ लो ताड़ी दाढ़ गिली हो जाएगी, पर ये थे बड़े मज़े के। तो यहाँ पे टेबल पे खाना आ चुका है तो पहले जी खाए जाएंगे गोलगप्पे। तो मैं कहनी इतने कमाल ही हो या प्यासा जी, देखें ज़रा क्या मशहूरी हो रही है। तो बड़ा मज़ा भी आया देख के, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। ये देखें जी नान लगे हुए अंदर ज़बरदस्त, ये कौन से वाले लगाए, गार्लिक वाले। ये देखें ये गार्लिक नान लग रहा है। पाकिस्तान के जी ज़बरदस्त नान, वो देख। तो यहाँ पे जी गार्लिक नान लग रहे थे और साथ में तंदूर की रोटी भी लग रही थी और ये भी हमारे लिए ही लग रहे थे क्योंकि हमने किए थे गार्लिक नान और तंदूरी रोटी। और ये है जी तवा चिकन जो कि किसी और का ऑर्डर था, पर ये भी बड़ा ही मज़े का लग रहा था, पर हमने ये ऑर्डर नहीं किया। पर हरियाँ मिर्चा होते देख के तो मैंने इनिया मिर्चा लगी तुम सोच नहीं सकते, पाकिस्तान दियाँ हरिया मिर्चा बड़िया ही तेज़ ने। तो मैंने कहा ना 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 ये हमने ऑर्डर नहीं करना, हम यही खाएंगे जिनके ऊपर हरी मिर्चें नहीं नज़र आ रही। अभी तो मैंने खाई नहीं, मुझे तो देख के ही लग गई थी इनिया मिर्चा उन्होंने उत्ते पाइया सा जाना। पर मैं कहती हूँ कि इनका जो बारबेक्यू था ना ये बहुत ही मज़े का था। तो यहाँ पर नान जी निकाल रहे थे वो लगा लगा के, और इनके ऊपर बटर था घी था क्या था पता नहीं, वो लगा रहे थे ब्रश के साथ। ये सादा नान था, बीच में गार्लिक नान था और साथ में तंदूरी रोटी थी। और फिर मैं कहती हूँ तीन चार नान रख के जिस तरह से ना भाई ने उनकी कटिंग की, एड्डा वड्डा उन्होंने बोगदा रखा साजे। तो ये झंग में है 12, तो जो झंग वाले हैं ना उनको पता होगा 12 का, तो आप लोग ज़रूर जाते होंगे, पर अब आपने फिर ज़रूर जाना है। पहले तो आप जाते ही थे ना मेरे कहने पर भी जाएँ, तो जब आप मेरे कहने पे जाएंगे ना तो आपको खाने का मज़ा तड़ा खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा, लुत्फ़अंदोज़ होके आएंगे। तो ये देखें चार चार नहीं पीस उन्होंने, तो छः छः पीस किए थे इसके, छः छः नहीं पता नहीं कितने सन, बहरहाल आप देख लीजिएगा कि कितने पीस उन्होंने किए। और जो है मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा था उनका जो है नान वाली उन्होंने टोकरी बड़ी सोहनी सी जिदे च उन्होंने नान रख के सानू पेश किए, प्रेजेंटेशन उनकी बड़ी नाइस थी। तो ये देखें यहाँ पर कबाब उतार के और साथ में ये जो हॉट ट्रे थी उसके अंदर उन्होंने प्याज रखे हुए थे और ये मलाई बोटी थी और सीख कबाब। सीख कबाब जो ये थे ना ये थे चीज़ वाले, बहुत ही मज़े के थे, आप जाएं और खाएं। और यहाँ पे ये देखें ये था तिक्का मसाला। तो बस देख लें खाने पीने का जो काम है ना माशाल्लाह वो कहीं पे भी चलता है, जैसे कपड़े का काम हो गया उसमें बड़ी बरकत है, खाने पीने के काम में भी बड़ी बरकत है। और यहाँ पर थे ये मसाला राइस और साथ में अभी आनी थी कोयला चिकन कढ़ाई। तो ये देखें ये आ गई जी कोयला चिकन कढ़ाई जो कि बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, पर मिर्चा भी उत्ते मैं कहनी हाँ ज़बरदस्त लग रही सन, तो बाद चो भी ज़बरदस्त लगी सन। और यहाँ पे खाना जो था वो टेबल पे आ चुका है, साथ में सैलड भी था, साथ में रायता भी था और साथ में मिंट मार्गरीटा भी था और साथ में जो थी क्या थी 7 अप सी, वो पता नहीं किन्ने मंगवाई सी मैं तो भूल ही गया, मैं तो बस अपने खाने पे मेरा ध्यान था। और यहाँ पे ये देखें कढ़ाई ज़बरदस्त सी है, अब ये यहाँ से सारे लगे हुए थे अपनी अपनी प्लेटों में डालने। तो मैं देख रही थी कि मेरी बारी कदों आएगी, पर मेरी बारी आ गई क्योंकि मेरे परले पास एक डिश पेश थी वाले मैं देखा ही नहीं, और वो डिश पूरी की पूरी साबत पड़ी हुई थी। देखें उसमें से मैंने कबाब उठाया, उसमें से मैंने मलाई बोटी उठाई और अब इसमें हम ऐड करेंगे
क्या करेंगे, क्यूकम्बर शंबर सैलड सूलड और सारे लवाजमात प्याज श्याज जो उन्होंने होटरे में डाले हुए थे, मैंने कहा भाई मैं तो सारा कुछ टेस्ट करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बहन ने मुझे दावत पे बुलाए थे जी, जो हो सकता मैं कुछ है छाट देवा। और ये थे जी मसाला राइस और ये आया मिंट मार्गरेटा, और इतना मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस मैं कह दी हाँ पूछो ही ना मैनू कितना मज़ेदार सी। तो यहाँ पे जी कढ़ाई भी मैंने टेस्ट की, कढ़ाई माशाल्लाह बहुत मज़े की थी, खाना बहुत मज़े का था। सना माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे लेके आई हमें, उन्होंने जो हमारा लंच किया, हमारी दावत थी, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। तो कढ़ाई जड़ी सी ना वो उन्होंने ना कोयले का दम दिता सी और बड़ा ही मज़े का था माशाल्लाह से। तो ताड़े मुझे जो पानी आएगा तो भाई आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पता है आप कई बैठे होंगे भूख लगी होगी उनको, तो कहते होंगे हाय हिना जी ये क्या जुल्म कर रही हैं। मैं आपको बताऊं मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूं ना, इस टाइम भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप इमेजिन करें खाना। थैंक यू जी सना जी खाने का, इट वॉज वेरी लवली एंड वेरी डिलीशियस। वेलकम जी वेलकम, बड़ा मज़े का, बड़ा मज़े का था। आपने क्या गुड़ गुड़ लगाई हुई थी, हैं वीडियो खराब करने साड़े बच्चे नंबर वन ते ने बैठी, तो आप उधर जाके बैठो ना फिर, उठो यहाँ से। तो ये बड़ा मजा आया, खाना माशाल्लाह बड़ा अच्छे बड़े अच्छे का था। बड़े अच्छे का था खाना। तो खाना माशा बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। तो जो झनके मेरे फॉलोअर हैं वो ज़रूर आएँ बारह और बार बार आएँ, और आके यहाँ का जो है तवा चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो थैंक यू मेरी भैन दा जिनने मैंने ट्रीट वेलकम, और मैं ये फर्स्ट टाइम आई हूँ फर्स्ट टाइम, और माशाल्लाह सारा कुछ मज़े का था। थैंक यू। तो अब जी हम जा रहे हैं, यहाँ से जाएँगे साइमा के घर, उधर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जाएँगे भाईजान के पास, उधरों फिर असी जावांगे कार। अज अबू जी नाल लंबी सैर लंबी सैर। तो माशाल्लाह से जी बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। तो बस फिर यहाँ पे अब हम लोग निकले हैं, तो बाहर अंदर तो एसी च बैठे सर, जिससे बाहर निकले तो पता चलिया कि आज अच्छी खासी जो है ना गर्मी पड़ रही है। तो बस ये सीढ़ियाँ थी यहाँ पर थोड़ी इनकी, तो अबू जी को ज़रा थोड़ा सा उन बेचारों के लिए मुश्किल हो जाता है सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी, पर शुक्र अल्लाह पाक का कम थी। यहाँ पे देखें जी साइमा ने बनाया दही भल्ले हैं, दही भल्ले ने ना दही फुल्की है, और ये चाट है, और यहाँ पे ये ग्रेप्स का जूस था बड़ा ही मज़े का, जो कि मैं अभी भी पी रही हूँ। ये अबू जी बैठे हुए हैं, मीठा नहीं है। हाँ नहीं नहीं मीठे वाली चीज़ नहीं ना है। घड़ी मैंने पहनी हुई है ये वाली, मैं इधर पहन लूंगी। ये अच्छा आइडिया है, मेरे पास छोटे डायल वाली नहीं थी, ये देखो अब मैं दोबारा इन होगी नो में डायल। हां थैंक यू आप आई, मुझे वाकई बहुत खुशी है। बस आपका इस तरह विजिट बहुत शॉर्ट रहा, जन भी कम मेरे, मैं दो पूरे 2 महीने रह के जा रही हूं, 2 महीने से ठीक है। आप तो जन का काम कर लोगों के साथ, अब उनके मोहब्बत में हाई छोटे डायल वाली हो, तो मैंने कहा था मैंने एक लूंगी जिसका डायल छोटा है। हाँ ये मुझे मिल जाएंगे, आप ये मेरे व्लॉग में देखेंगे कर लेंगे। चाय तो नहीं पी क्योंकि चाय गरी पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा चाय लगी ना, मिलो 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 साइमा हाँ।
अब तो आएंगे ना, अब टिकट आगे करवा, रात को बताती हूँ। तो साइमा के घर जी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह। और अब हम जा रहे हैं भाईजान के फार्म पे। साइमा का जो है उनके ड्राइवर, वो हमें छोड़ने जाएंगे अब्बू जी के घर तक। पर पहले भाईजान का खाना था, वो नहीं आ सके क्योंकि वो एक तो नलके का काम करवा रहे हैं, एक जहाँ जिनके घर का काम हो रहा था आज उनके किचन का काम होना था। और वो जिनके घर का काम करवा रहे हैं उनके चारों बेटे जो थे ना, आज वो घर से गायब हो गए थे। बस एंड वाला दिन था, उन्होंने थोड़ा तंग किया। और भाईजान को जो है वो हमारे साथ इसलिए खाने पे नहीं आ सके क्योंकि उनको वहाँ पे बैठना पड़ा और काम करवाना पड़ा सारा। तो मुझे नहीं था पता कि भाईजान फार्म पे हैं कि उनके घर पे हैं। तो हम फार्म पे आए तो यहाँ पे नलके वाले आए हुए थे, उन्होंने बताया जी वो तो उधर हैं जिनके घर काम करवा रहे हैं। तो बस फिर हम वापस फिर उधर गए, वो आगे करके ना गांव है छोटा सा, तो वहाँ पे उनका घर। तो बस जी हम फिर फार्म से वापस गए उस गांव में जहाँ पे भाईजान बैठ के काम करवा रहे थे। तो देखें अंदर के तो बस भाईजान थे और वो जो खातून है जिनका घर था वो हैं, और उनके बेटे जो थे वो घर से गायब थे। भाईजान तो आज ही खपे पड़े हैं, देख ले। ये देखें पंखा भी लग गया, लड़के इनके चले जाते हैं, पता नहीं फिर हेल्प नहीं ना होती, फिर कितने के मजदूर लगन ना इन्ना ना का। तो बस मैंने उनको कहा कि अपने बच्चों को घर पे रखें ताकि आपका काम जल्दी ख़त्म हो। तो बस अब हम यहाँ से फिर जाएंगे भाईजान के फार्म पे। अब्बू जी का फ़ोन जो रह गया था वो फार्म पे ही पड़ा हुआ है, तो बस फ़ोन लेके तो फिर हमने निकलना है घर। तो मैं इनको कह रही थी कि जल्दी करो, इतने मजदूर ताड़े घर बह जाएंगे, निकलेंगे नहीं। तो मुंडे हैं प्लीज़ तुसी ना कल घर रखो ताकि तुहाड़ा काम सारा ख़त्म हो जल्दी। फार्म तो जाना है उन्हें। अच्छा अच्छा, अब्बू दा फोन उधर है, मतलब चलो ठीक है। अभी हम जा रहे हैं घर, भाईजान के फार्म पे आए थे। तो नलके छलके का सामान मैं दिखाऊं जो नलका लगना है बाहर फार्म के बिल्कुल सामने। ये देखें ये पड़ा हुआ नलकों का सामान, दो नलके लगवाएंगे, एक तो फार्म के सामने लगना है। ये देखें सारा सामान है इधर, ये देखें सूट बड़ा बढ़िया है, बढ़िया सूट, वाह। भाईजान कह रहे हैं जी सूट बड़ा बढ़िया पाया है। भाईजान मेरे बेचारे थक गए ने हैं, बस लोग एंड पे आके फिर तंग करना शुरू कर देते हैं ना। उनके माशाल्लाह चार बेटे हैं और साथ में मिलके वो काम करवा सकते हैं, पर आज सारे गायब हो गए सन। और गर्मी भी आज बड़ी है, इतने नलके का काम छड़ के वो भाईजान वहाँ पे जाके फिर सर पे बैठना पड़ता है ना, नहीं तो मजदूर भी काम नहीं करते, फिर नस जाते ने। तो अब जी हम जा रहे हैं घर, और मैं साइमा का जो चैनल है वो मैं मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर विज़िट करें। उन्होंने माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स बनाती हैं, बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, बड़ी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी साइमा के चैनल पे। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, देखें कितनी दफ़ा हमारे चक्कर लगे फार्म के, कभी उधर कभी इधर, तो बस एन जी होता है किसी किसी दिन। तो चलें जी ये था हमारा आज का व्लॉग, जो कि माशाल्लाह से मज़ा आया, अच्छा लगा। शुक्र है अब्बू जी ने भी इन्ना टाइम काट लिया, वरना ना वो घबरा जाते होते हैं, पर अज तो शुक्र है हो रही सी तबीयत तो उन्होंने, पर उन्होंने को फिर कुछ है नहीं सी ना, कोई चॉइस नहीं सी क्योंकि ड्राइवर साढ़े नाल नहीं सी। तो ड्राइवर तो पहले लेने सना का ड्राइवर आया और छोड़ने जो है वो साइमा का ड्राइवर हमें जा रहा था। तो बस फिर साढ़े को गड्डी होती थी, अब्बू जी ने कहना सी हूँ नहीं चलो कार, हूँ नहीं उठो। तो उनको भी पता था कि हम अपने ड्राइवर के साथ तो आए नहीं हुए। तो बस जी ये था हमारा आज का डे ट्रिप, तो इसके बाद मिलेंगे आपको हम कल वाले व्लॉग में। दुआओं में याद रखें, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आप सबसे। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।